प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने जिस महाकाल मंदिर के सौंदर्यकरण की योजना तैयार की थी, उसके शुरू होने से पहले ही रुकावटों का दौर शुरू हो चला है। जी हाँ, जब सभी को ये लग रहा था कि अब काशी विश्वनाथ की तर्ज पर महाकालेश्वर मंदिर का भी कायाकल्प किया जाएगा, तभी ये योजना राजनीति की भेंट चढ़ गई है। बता दें, प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सूबे की कमलनाथ सरकार पर यह आरोप लगा दिया है कि 300 करोड़ की योजना तैयार करते वक्त किसी भी जनप्रतिनिधि, मेयर या जनता से मशवरा नहीं लिया गया। अब क्योंकि उज्जैन में विधायक और सांसद दोनों ही बीजेपी के हैं, इसलिए कमलनाथ सरकार द्वारा उनसे राय मशवरा न करना उन्हें अखर रहा है। अपना विरोध जताते हुए बीजेपी ने प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन को एक ज्ञापन सौंप दिया है। कमलनाथ जी की सरकार जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वहाँ के जो लोकल उत्तर विधानसभा, दक्षिण विधानसभा, हमारे मोहन यादव वहाँ के विधायक हैं, हमारे वरिष्ठ नेता पारस जैन वहाँ के विधायक हैं, उनको भी विश्वास में नहीं लिया, उनको भी बैठक में नहीं बुलाया। हमारी नगर निगम की महापौर है, उनको बैठक में नहीं बुलाया। मैं खुद वहाँ का लोकल सांसद हूँ, मुझे भी बैठक में नहीं बुलाया। तो क्या चाहते हैं? जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल के तहत तो बुलाना था, बैठक में बुलाते हैं। निश्चित रूप से हो रहा है, जिस प्रकार से सरकार ने बैठकें बुलाई है। शासन में निर्वाचन के बाद कांग्रेस बीजेपी नहीं देखा जाता, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को बुलाना, बीजेपी के अध्यक्ष को नहीं बुलाना, कांग्रेस के विधायक को बुलाना, क्षेत्रीय बीजेपी के निर्वाचित विधायक है उनको नहीं बुलाना, महापौर को नहीं बुलाना, इससे बढ़कर क्या और राजनीति हो सकती है? दूसरा, फंड है ही नहीं, ना स्टेट में फंड आपने रखा, बजट में नहीं रखा, और आप झूठी वाहवाही करो 300 करोड़ रख रहा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही इस प्रोजेक्ट पर कमलनाथ सरकार के रुख पर नाराजगी व्यक्त कर रही है, बल्कि महाकाल मंदिर के पंडितों ने भी सरकार पर मंदिर के असल स्वरूप और परंपरा से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर के पुजारी भी अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया, तो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने उल्टा बीजेपी पर तंज कसते हुए कह दिया कि खुद महाकाल बीजेपी नेताओं को बैठक में बुलाने के लिए नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, एमएलए, सांसद हैं, महाकाल भगवान उनको कोई पीले चावल देने नहीं जाएंगे। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आके दीजिए। और दूसरा, ये विरोध क्यों इसलिए कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 300 करोड़ रुपए, उसका बाहरी स्वरूप बदलना, कोई भी बिल्डिंग महाकाल का जो शिखर है उससे ऊंची नहीं हो, इसमें संशोधन करने की बात, और अंदर 50 करोड़ का विकास, जो नंदीगृह है उसको बड़ा करना, गेट बड़े करना, ये जो विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके संगठन, केवल इस बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ है एनक्रोचमेंट। इस समिति की बैठक में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तय किया है कि जो भी वहाँ पे जो एनक्रोचमेंट्स हैं और जो ऐसी जगह अलॉट कर दी गई 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के समय, जो मंदिर का परिसर था, इन सब चीज़ों से एनक्रोचमेंट हटा जाएगा, कैंसिल की जाएगी। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक पार्टियां हैं तो विरोध तो करेंगी, लेकिन जब आस्था के मुद्दों पर पार्टियां एक दूसरे के सामने आ जाती हैं, तो इससे सिर्फ योजना की गति पर असर नहीं पड़ता, बल्कि लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।